गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्क, माय सेल्फ शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जब मैंने पाइथन सीखा था तो मुझे किसी ने नहीं बताया था व्हाट इज वेरिएबल और इलीगल वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, पहला तो बात ये होता है कि वेरिएबल होते क्या है और उसके बाद इलीगल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं ये भी हमें जानना। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आई हूँ कि कभी भी आपको किसी भी कोडिंग में, सिर्फ पाइथन में नहीं गाइस, चाहे आप VBA कोडिंग कर रहे हैं, चाहे आप जावा, चाहे आप सी, किसी भी कोडिंग में होते हैं वहां वेरिएबल यूज होना ही है। तो देखिए, आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको वेरिएबल यूज करने होंगे तो आपके माइंड में फटाफट आ जाएगा कि भाई वेरिएबल यहाँ लगेगा और इस तरीके से हमें इसे कोडिंग में यूज करना है। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और गाइस अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो में कोई भी आपको अपने किसी भी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लाती रहूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैं आज बताने वाली हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड इलीगल वेरिएबल्स। ओके गाइस, चलिए बताती हूँ आपको वेरिएबल और इलीगल वेरिएबल कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वे हमारा जो वेरिएबल डिफाइन करने का होता है गाइस, वो होता है ये वाला जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ किया है, इट मीन्स सिर्फ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, दैट इज़ माई वार। और मैंने उसको एक नेम डिफाइन कर दिया कि माई वार की वैल्यू जॉन है। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, सेकेंड वेरिएबल मैंने किस तरह से डिफाइन किया है, माई के साथ मैंने अंडरस्कोर का यूज किया है और देन अपने एक स्ट्रिंग को ऐड किया है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वेरिएबल जिसमें मैंने अगेन जॉन को डिफाइन किया है। नाउ द थर्ड वन अगर आप देखें तो अब की बार मैंने यहाँ स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाया है और बीच में भी अंडरस्कोर लगाया है, तो इट्स ऑल्सो द करेक्ट वन। इट मीन्स आप अंडरस्कोर का यूज वेरिएबल में कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो मिड में हो और चाहे वो एंडिंग में हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने वी को कैपिटल लेटर कर दिया है। इट मीन्स आपका वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर में लिखा हो, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिखा हो। देन अगर मैंने यहाँ देखोगे आप, मैंने सारे कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं और अब की बार जो लास्ट वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्ट्रिंग के साथ नंबर यूज़ किया है, बट नंबर कहाँ यूज़ किया है आप देख सकते हैं, इन द एंड। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब मैं आपको इलीगल वेरिएबल्स दिखाऊंगी, तो आपको एंड में ही नंबर यूज़ करना है, दिस इज़ अ लीगल वेरिएबल। अब अगर मैं वेरिएबल नेम डिफाइन करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर सम इलीगल वेरिएबल्स। कभी भी आप अपने वेरिएबल के स्टार्टिंग में डिफाइन करते टाइम सेकेंड जो मैंने नंबर लिखा है वो शुरुआत में नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी करेक्टर सिंबल अपने स्ट्रिंग के बीच में नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दीज आर द इलीगल वेरिएबल। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ, नंबर का, किसी सिंबल का, कोई भी स्पेस का यूज़ आप अपने वेरिएबल में नहीं करेंगे और अगर आपको नंबर का या अंडरस्कोर का यूज़ करना है तो आप स्टार्टिंग में और मिड में खाली अंडरस्कोर ले सकते हैं और एंड में आप अपने नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो देखिए, यहाँ मैंने अपने वेरिएबल को फिलहाल क्या लिया है, x, तो x मेरा क्या है, वेरिएबल, और मैंने x को एक नंबर डिफाइन किया है। इट मीन्स आप वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एक डेटा टाइप की मेमोरी लोकेशन के लिए कि हम एक x को एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं 2। तो जब भी आप आगे हम कोडिंग सिखाएंगे, अब मैं कोडिंग आपके लिए बहुत हैवी हैवी लेके आऊँगी, जब तो वहाँ जब हम x को यूज़ करेंगे तो पूरी कोडिंग में x मेरा क्या बन के रहने वाला है गाइस, 2। इट मीन्स जहाँ मैं x लिखूँगी वो क्या ले लेगा उसे, 2। इट्स अ मेमोरी, हमने एक x को एक मेमोरी दे दी है कि वो इसको हर जगह जहाँ हम x लिखेंगे वो यूज़ करता चला जाएगा। और जब अब मैं इसको प्रिंट कराऊँगी इस x को, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं शिफ्ट एंटर दबा रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर वो क्या दे रहा है मेरा आंसर मुझे। अगर हम इसे एक काम करते हैं,
इस वाले को कोड को हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब यहाँ मैं इसका शिफ्ट एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए उसने मुझे क्या रिटर्न किया, 2, क्योंकि उसने x का जो मेमोरी लोकेशन है उसकी x की मेमोरी क्या ले ली है, 2। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कोडिंग में वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा।